हाय गाइस, तो आप दिख रहे हैं लेट्स गो हेल्दी। आज मैं लोगों से शेयर करूंगी साइज जीरो डाइट प्लान, जिसकी हेल्प से आप रिड्यूस कर सकते हैं 7 kg 7 days में बहुत ही इफेक्टिवली। ये डाइट प्लान बहुत ही डिटॉक्सिफिकेशन डाइट प्लान है, जिसकी हेल्प से आपका बॉडी का फैट बहुत ही इजिली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस अगर आपके बॉडी में किसी भी टाइप की स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन या फिर ब्लोटिंग है, तो उसको भी बहुत ही जल्दी रिड्यूस करना शुरू कर देगा। सिर्फ वैसे 1 day में आपको बहुत ही इसका रिजल्ट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस डाइट प्लान को फॉलो किया, जिसकी हेल्प से उनका 7 kg रिड्यूस होना पॉसिबल हो गया 7 days में। बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान है। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए मुझसे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं eatmorelosemore7@gmail.com पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे, और हम स्टार्ट करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। तो आइए देखते हैं कि अपने साइज जीरो डाइट प्लान में इसकी हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं 7 kg सिर्फ 7 days में, उसके लिए क्या लेंगे। सुबह सबसे पहले उठ के हम लेंगे अपना डायबिटिक वाटर, यानी कि खाली पेट का जो डायबिटिक वाटर है वो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी में से सारे बैड टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने के लिए, किसी भी टाइप की बॉडी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, प्लस हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो हम लेंगे सुबह सबसे पहले उठिए 1 glass लेमन वाटर का, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 whole lemon squeeze, और साथ साथ इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर। सिनेमन से हमारा ब्लड शुगर जो है वो बहुत ही कंट्रोल रहता है, प्लस ब्लैक पेपर पाउडर से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए इन दोनों को ऐड करना बहुत ही जरूरी है हमारे लेमन वाटर में। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं किसी भी रीजन से, तो आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। एलोवेरा जूस को 2 teaspoons ऑफ एलोवेरा जूस को आपको 1 glass गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, और उसे खाली पेट लेना है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको किसी भी टाइप के कॉन्स्टिपेशन को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है, प्लस आपकी वाटर रिटेंशन को बहुत ही जल्दी किल करना स्टार्ट कर देगा। और अब हम देखते हैं कि हम अपने साइज जीरो डाइट प्लान के ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए क्या क्या लेंगे। हमारा ओनली एंड ओनली सिंगल ऑप्शन जब हम साइज जीरो डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तो उसके लिए रहेगा एप्पल बनाना पीनट बटर स्मूदी। अब ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को पूरा करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे इसमें पीनट बटर। एप्पल पीनट बटर बनाना स्मूदी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अप है, और इसकी कंप्लीट रेसिपी ये है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपना हाई प्रोटीन स्मूदी एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं, और अगर आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप इस प्रोटीन रिप्लेसमेंट को एग से रिप्लेस कर सकते हैं। आप 2 से 3 बॉइल्ड एग वाइट्स ले सकते हैं, साथ साथ इसमें ले सकते हैं 1 cup ग्रीन टी का, जो कि बहुत जरूरी है हमारे वेट लॉस के लिए, प्लस एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बूस्ट अप करने के लिए हमारे बॉडी में। अब आइए देखते हैं कि हमने मिड मॉर्निंग स्नैक में, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, हम क्या लेंगे हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। साइज जीरो के लिए हम लेंगे 1 cup ऑफ माचा टी। अब 1 cup माचा टी में 10 cups ऑफ ग्रीन टी का बेनिफिट होता है, तो हम क्यों ना 1 cup माचा टी ही कंज्यूम करें हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए, तो आप 1 cup ग्रीन टी ले सकते हैं, साथ में आप ले सकते हैं 1 chopped कुकम्बर। और इस कुकम्बर में किसी भी टाइप का आप सॉल्ट या किसी भी टाइप की सीजनिंग ऐड मत कीजिएगा। सिंपल 1 raw कुकम्बर अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में आपके हाइड्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, प्लस आपको बहुत देर तक इसको कंज्यूम करने के बाद भूख भी नहीं लगती है। आइए देखते हैं कि हमें लंच ऑप्शंस के लिए क्या लेंगे साइज जीरो डाइट प्लान के लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा कुकम्बर रायता या फिर अनार रायता। एक फुल बाउल भर के आप दही का ले लीजिए, उसमें आप ऐड कर लीजिए कोई भी टाइप का अपना फेवरेट फ्रूट। आप पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, अनार, एप्पल, पपाया, आपको जो भी पसंद है फ्रूट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस आप उसमें कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस स्नैक के तौर पे बनता है, प्लस एक प्रॉपर मील है। इसमें प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम बहुत ही हाई कंटेंट में रहता है, तो इसीलिए आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है, प्लस आपके स्किन बेनिफिट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप किसी भी टाइप का प्लीज सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज सॉल्ट ऐड करने से हमारा वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग बहुत ही बढ़ जाता है। आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, स्टीविया ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मिंट लीव्स यानी कि पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, बट किसी भी टाइप का आप इसमें शुगर या सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर आप रायता नहीं ले सकते हैं, तो आप इसको स्मूदी की फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी 3 delicious स्मूदी की रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इन रेसिपीज को। बहुत ही इजी है इसको प्रिपेयर करना। आप सिंपली फ्रूट को दही या दूध से ब्लेंड कर लीजिए, और आपका स्मूदी प्रिपेयर हो जाएगा। सोक चिया सीड्स में ऐड कर सकते हैं आपके फाइबर के लिए, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो आप रैंडमली इस स्मूदी को ऐसे ही ले सकते हैं। भाई देखते हैं कि हम अपने मिड इवनिंग स्नैक के लिए क्या कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर आप टी या कॉफी लेना पसंद करते हैं, तो आप टी या कॉफी ले सकते हैं, पर इसमें किसी भी टाइप की हम शुगर नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो आप 1 cup ग्रीन टी का भी ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप किसी भी टाइप का एक फ्रूट भी ले सकते हैं इस टाइम में। साथ में आप लीजिए 5 soaked almonds और अपने 2 walnuts, भिगोए हुए बादाम और अखरोट बहुत ही जरूरी है पूरे दिन की कैल्शियम को पूरा करने के लिए। अगर आप किसी भी टाइप की शुगर क्रेविंग हो इस डार्क प्लान में, तो आप 1 piece डार्क चॉकलेट का भी ले सकते हैं मिड इवनिंग स्नैक
में ये आपके शुगर क्रेविंग्स को सप्रेस करता है, प्लस एपेटाइट सप्रेसिंग की तरह भी वर्क करता है। अब बढ़ते हैं अपने डिनर ऑप्शंस के लिए। स्पाइसी और डार्क प्लान की डिनर ऑप्शंस के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एगिटेरियंस के लिए। अगर आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो आपको लेने चाहिए 2 boiled eggs, साथ में आप ले सकते हैं 1 cup ग्रीन टी का, नहीं तो आप ले सकते हैं 1 cup कैमोमाइल टी का भी। कैमोमाइल टी के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, इसके हेल्प से आपको बहुत ही साउंड स्लीप प्रोवाइड होती है, प्लस आपका स्ट्रेस पूरे दिन का बहुत ही जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप ले सकते हैं ये, नहीं तो आप ले सकते हैं 1 glass लो फैट हल्दी का दूध। ये बहुत ही अच्छा आपके इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क करता है, प्लस आप बहुत देर तक भूख नहीं लगती है अगर आप हल्दी आलमंड मिल्क लेते हैं अपने डिनर के फॉर्म में। तो आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अप है और इसकी ये कम्प्लीट रेसिपी है। इसमें आप डाल सकते हैं 2 से 3 drops आलमंड ऑयल की, जिसकी बेनिफिट से आपको किसी भी टाइप की कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, प्लस बहुत ही अच्छे आपको वेट लॉस रिजल्ट्स भी प्रोवाइड होते हैं और ये नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर की तरह भी वर्क करता है। इस डाइट प्लान में प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम 2 से 3 liter नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी जरूर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, प्लस हाइड्रेशन से बहुत ही अच्छा वेट लॉस प्रोवाइड होता है और किसी भी टाइप की वाटर टेंशन या ब्लोटिंग नहीं होती है। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देने के लिए मुझसे तो मुझे मेल कर सकते हैं eatmorelosemore7@gmail.com पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे, और हम साथ करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लेट्स गो हेल्दी को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ इट ऑलवेज।